गुड इवनिंग गाइस, आज हम म्यूज़िकल थ्योरी के बारे में, आज से हम वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा म्यूज़िकल थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एक ऑक्टेव के बारे में है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे दिखा देता हूँ ऑक्टेव कैसे है। तो ऑक्टेव के लिए जो वाइट 7 कीज़ है और 5 ब्लैक कीज़, ये मिला के एक पूरा ऑक्टेव होता है। तो जैसे मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, ये 7 कीज और ये 5 ब्लैक, ये एक्चुअली मिडल ऑक्टेव है और ऑक्टेव के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए। हेलो गाइस, आज हम अभी लोअर ऑक्टेव के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ऑक्टेव 3 प्रकार के होते हैं, लोअर, मिडल और हायर। तो पैनो 88 कीज और 61 कीज का होता है। मेरा जो अभी कॉर्ड का है P300 वो 61 कीज का है। तो अगर 88 कीज का होगा तो वो ऑक्टेव बढ़ जाएंगे वहाँ पे। तो अभी मेरा 61 कीज का है तो मैं आपको एक्सप्लेन वहीं से करता हूँ। तो ये लोअर ऑक्टेव है, तो लोअर ऑक्टेव का साउंड ऐसा आएगा। ये लोअर ऑक्टेव का साउंड है। अभी ये सेकंड लोअर ऑक्टेव का है, इसका आवाज भी थोड़ा डिफरेंट होगा, आप ऑब्जर्व करिए। अभी मिडल ऑक्टेव जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मोस्टली जो गाने प्ले होते हैं ये ऑक्टेव से प्ले होते हैं। मतलब ये मिडल में जो आप आवाज़ देख रहे हो, जैसे ये मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स को सूट होते हैं। सो यहीं से मोस्टली पैनो में जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो यहीं से प्ले होते हैं। फिर आता है हायर ऑक्टेव। हायर ऑक्टेव में जो आवाज़ है वो और हाई, जैसे आप पिच होंगे, आप देख सकते हो। फिर इसमें एंडिंग में जो है वो सेकेंड हायर ऑक्टेव है। तो इस प्रकार के ऑक्टेव कीबोर्ड्स में होते हैं। 88 कीज़ का कीबोर्ड में और बड़े ऑक्टेव, मतलब और ज़्यादा ऑक्टेव्स होंगे, 61 कीज़ में इतने ऑक्टेव होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।